इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही लेबनान का इस्लामी प्रतिरोध भी अपनी नाक अड़ा रहा है। हिजबुल्ला लड़ाकों के हमलों से उत्तरी इसराइली इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हर दिन हो रहे एक से बढ़कर एक हमलों के चलते इसराइल पर खासा दबाव बढ़ा है। हिजबुल्ला और हमास दोनों ही इसराइल को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। बावजूद इसके इसराइल चुन चुन कर अपने दुश्मनों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर रहा है। इसी कड़ी में इसराइल ने बीती 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें हिजबुल्ला का कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर मारा गया। इस हमले से बौखलाए लेबनानी समूह ने भी 48 घंटे के भीतर ही इसराइल पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्ला ने लेबनान से उत्तरी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। वह हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह का सबसे खास माना जाता था। फुआद पर इसराइली सेना ने दावा किया था कि वह गोलान हाइट्स पर हमले के लिए जिम्मेदार था। ऐसा आरोप है कि बीते 27 जुलाई को हिजबुल्ला ने इसराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। उसने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला चीफ अभी भी इसराइली कार्रवाई से शांत नहीं हुआ है। फुआद शुकर की हत्या के एक हफ्ते पूरे होने पर हसन नसरल्लाह ने कहा कि जवाबी कार्रवाई मजबूत और प्रभावी होगी। हत्या को एक सामान्य हमले के रूप में नहीं माना जा सकता। समूह अकेले या इलाके में अन्य ईरान समर्थित गुटों के साथ मिलकर इस बदले को अंजाम तक पहुंचा सकता है। وهذا بيدل أنه عائلاته كتير صاروا صغار إلى خرق جدار الصوت فوق الضاحية من أجل استفزاز الاحتفال أو إخافة الموجودين في هذا المهرجان الكل يجب أن يفهم أبعاد المعركة الحالية ومخاطرها أن يفهم مخاطرها على فلسطين الاستراتيجي يفكر كنا نمزح معه هدف هذه المعركة منع إسرائيل من الانتصار गौरतलब है कि लेबनान और इसराइल के बद से बदतर होते संबंधों के चलते दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसराइल पर भारी हथियारों से लैस हिजबुल्ला के संभावित हमले से दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। मालूम हो कि बीते हफ्ते ईरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिये की हत्या के बाद ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। हमास और ईरान दोनों ने ही इसराइल को दोषी ठहराया, हालांकि इसराइल ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है। Oh.